All right, जी, a very good morning to you. Assalamu alaikum. My name is Sahir Lodi. You're watching Morning with Sahir, and of course, आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है. रीज़न इज़ बिकॉज आज हम फिर बालों के बारे में बात करेंगे. अच्छे बाल जो होते हैं वो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर देते हैं, लेकिन मैं उधर नहीं जा रहा. पहले हम कुछ खबरों की तरफ चलते हैं, कुछ अच्छे अच्छे वीडियोस देखते हैं, इन लोगों से कुछ कमेंट्स लेते हैं, हमारे जो गेस्ट हैं उनसे कमेंट्स लेते हैं, जाहिद भाई से बात करते हैं बिकॉज आज देखें सुबह सुबह वो क्या बनाने वाले हैं. एंड देन ऑफ कोर्स कराची से हमें डॉक्टर शैला मुनीर ने ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. डॉक्टर आयशा, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मिला, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर. बहुत बहुत शुक्रिया. एंड ऑफ कोर्स डॉक्टर वजीर, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया. इन कराची इट्स डॉक्टर शैला मुनीर. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, हाउ आर यू, कैसी हैं आप? आप कैसे हैं साहिब? ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक, कांट कंप्लेन. देख, हमने सॉरी कहना सीख लिया. एक दफ़ा पीछे से मेरी गाड़ी को किसी ने मारा और ठोक दी, बिल्कुल ना, अंदर का बम्पर सारा, मतलब बाहर अंदर चला गया बम्पर ना. एंड ही लुक्स एट मी, गो सॉरी ब्रो. मैंने कहा सॉरी ब्रो, सॉरी ब्रो, ब्रो इज गॉन, ब्रो इट्स वेरी एक्सपेंसिव, एंड ब्रो यू आर नॉट गोइंग टू पे मी. और वो ब्रो भाग गया. उसके बाद ब्रो डिडंट पे, नहीं ब्रो डिडंट पे, ब्रो रैन अवे. मैंने उसको ब्रो को बोला ऐसे जाके ना, मैंने कहा मैं उधर खड़ा रहा हूँ, आप आ जाएं, बिकॉज यूजुअली ये होता है, आप इंश्योरेंस एक्सचेंज करते हैं. अब मुझे नहीं पता था पाकिस्तान में इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है. तो खैर मैं इधर जाके खड़ा हुआ, यू आर वेटिंग फॉर हिम. हाँ, आई वाज, उसने ऐसे चक्कर काटा, भाग गया वहां से. एंड आई एम लाइक सीरियसली. आपने देखा, इसीलिए लोग वहीं रुक जाते हैं और सारी ट्रैफिक ब्लॉक करते हैं. बट दैट्स रॉन्ग दो, दैट्स रॉन्ग, दैट्स रॉन्ग, यू कैन नॉट डू दैट. लेकिन इसी तरह, इसी वजह से, क्योंकि लोग भाग जाते हैं. देखें, मैं तो कुछ नहीं कहता, आपकी जिंदगी है, लेकिन कोई तो वजह है कि बाकी लोग हमसे आगे हैं, कोई तो वजह है. ये जो छोटी छोटी सी बेईमानियां हैं ना, ये आप कर ज़रूर लें, ये वक्ती तौर पे आपको फ़ायदा भी दे देंगी, लेकिन इन द लॉन्गर रन आप लूज़ करेंगे. आई एम रियली सॉरी. ये दुनिया बेवकूफ़ों से नहीं चल रही है. दुनिया में लॉज उन लोगों के लिए नहीं बने जो बेवकूफ़ हैं, बल्कि हम बेवकूफ़ी करते हैं अगर कवानीन को फॉलो ना करें. आपकी मर्ज़ी, आप लाइन ना बनाएं, लेकिन हमें अपनी हैसियत पता चल जाती है जब हम बाहर किसी मुल्क में जाते हैं. हमको लाइन बनानी पड़ती है, और हम ही लोग हैं जो लाइंस बनाते हैं. वेरी ट्रू. हम ही लोग हैं जो करप्शन नहीं करते, हम ही लोग हैं, बिकॉज हमें पता है, हमें खौफ है. पाकिस्तान तो हमारे बाप का है, विरसे में मिला है हमको. हमने आँख खोली और पाकिस्तान को देखा, तो हम इसके साथ जो सलूक कर सकते हैं हम वो करते हैं. दैट इज़ द रीज़न वी डोंट प्रोग्रेस. आप हमारे मुल्क का ट्रैफिक देख लें. कहते हैं कि किसी मुल्क की तरक्की को देखना है तो उसके ट्रैफिक को देख लो. वेरी ट्रू. आपको पता है उसका रीज़न क्या है? बड़ा सिंपल रीज़न है. हमारा ट्रैफिक हर तरफ से आता है, हर शख्स को निकलने की जल्दी होती है, इसी वजह से हर शख्स को देर हो जाती है. जब हर आदमी जल्दी में होगा तो हर आदमी को देर हो जाएगी. दैट्स व्हाट इट इज़. सो आई डोंट नो हम ये कब तब्दील होंगे, एंड आई डोंट थिंक रियली हम तब्दील होंगे. आई एम रियली सॉरी, आई एम नॉट बीइंग पेसिमिस्टिक, बट आई जस्ट वांट टू बी रियलिस्टिक अबाउट इट. आई डोंट थिंक वी आर एवर गोइंग टू चेंज, वी आर नेवर गोइंग टू चेंज. मैंने रेडियो पे एक शो किया, तो उसके अंदर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप हमारे लिए मतलब कुछ हेल्प कर दें. ये तो मैंने एक नंबर लिया, मैंने कहा देखिए, इस पर मुझे कॉल मत कीजिएगा, आप मुझे सिर्फ मैसेज कीजिएगा. हमें मैसेजेस, वी रिसीव्ड ओवर 20,000 मैसेजेस, 20,000, सो इट वाज अनएबल फॉर अस टू रीड. एंड देन वी रिसीव्ड अ लिटिल ओवर 50,000 कॉल्स. माय गॉड. व्हेन वी सेड, डिस्पाइट ऑल दैट, सो वी हैड टू क्लोज डाउन. हम रियलिस्टिकली किसी को, और ये नहीं कि 50,000 डिफरेंट लोग कर रहे हैं, कुछ लोग हजार कॉल्स कर रहे हैं. समबडी शुड पिक अप. व्हेन आई टोल्ड यू कि हमारे पास मैन पावर नहीं है, हम उठा नहीं सकते हैं, हम कॉल लिटरली हमारे लिए फीजिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि हम इतने लोगों को जवाब दे सकें. तो आई एम रियली रियली सॉरी, बट एनीवेज चलें यहीं से बात शुरू कर लेते हैं. मैं डॉक्टर शैला मुनीर की तरफ जाता हूँ. डॉक्टर साहबा, हमें जल्दी क्यों होती है? उसके बाद हम बालों पर बात करेंगे, बट बताइए हमें जल्दी क्यों होती है? डॉक्टर साहब, बस मुझे लगता है हमारी नेचर में शामिल हो गई है, हमें पेशेंस नहीं रहा है. यू थिंक दैट्स व्हाई? हैसियत है, कॉम सबको हर चीज में जल्दी होती है. या यू थिंक हमें आगे बढ़ने की भी बहुत जल्दी है, हमें एक दूसरे से सबकत ले जाने की भी जल्दी है, ऐसा भी है? साहिर, कभी ऐसा होता है ना कि जैसे बहुत ज्यादा जल्दी होती है तो लोग फिर स्टैम्पीड हो जाती है, तो लोग आगे बढ़ तो नहीं सकते और उसी जगह सारा पूरा हजूम गिर जाता है. तो मुझे लगता है कि कुछ इसी तरह हो रहा है कि हम सबको बहुत आगे बढ़ने की भी जल्दी थी, लेकिन उसमें जो है हमने एक डिसिप्लिन को पीछे छोड़ दिया, जिसकी वजह से हम लोग अब इतनी तरक्की नहीं कर सक रहे हैं और हम लोग उसी जगह पे ही एक रिवॉल्व हो रहे हैं. तो आई थिंक ये सबको सोचना चाहिए इस चीज़ को कि हर काम में जल्दी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा पेशेंस जो हमें सब्र है वो जरूर साथ रखना चाहिए। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसको यहीं से कंटिन्यू करते हैं। हम आपको ये कहेंगे जो आई थिंक हम सबको देखनी ज़रूर चाहिए, हम देखते भी हैं लेकिन उसके बाद ऐसी खामोशी के साथ गुजर जाते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मैं अक्सर सोचा करता हूँ कि अब मज़ीद और क्या हो सकता है हमारे साथ। हमारे साथ सब कुछ हो सकता है, हम नई डेप्थ तलाश कर सकते हैं अपनी डिस्ट्रक्शन की। उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर पता क्या है, हर शख्स अपनी अपनी लाइफ जी रहा है, नो वन इज़ कनेक्टेड टू एनी वन। इवन दो हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जो कनेक्टेड है, लेकिन हम एक दूसरे से कनेक्टेड बिल्कुल नहीं है। वी हैव नो रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। अनफॉर्चुनेटली हमें हम बाहर दुनिया की हर शख्स की रिस्पेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इफ़ वी सी आवर ओन या अपने मुल्क में भी तो हम उसके खिलाफ हो जाते हैं। आई हैव नो आइडिया वाई वी आर सो जजमेंटल। सबसे बड़ी बात ये, हम मिसालें देखते हैं वेस्ट की, इतनी बड़ी मिसालें देंगे, इतनी बड़ी मिसाल देंगे, उनको देखा है, इक्वालिटी पे बिलीव करते हैं। हाँ, पर तुम क्या बिलीव करते हो? एक्चुअल बिलीव नहीं है। हम अभी तक शायद 1947 या उससे पहले में के दौर में रह रहे हैं जहाँ हम ये समझते हैं कि सर हमें कहना चाहिए। इज्जत देना अलग बात है, लेकिन इज्जत इसलिए देना क्योंकि आप अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, आपका अपना कॉम्प्लेक्स है, वो एक अलग बात है। अगर एक बात याद रखिएगा, उसके बाद मैं उस वीडियो की तरफ आऊँगा, एक बात याद रखिएगा, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है, इनफैक्ट सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की सबसे बुरी शक्ल होती है। व्हेन यू फील दैट यू आर बेटर देन द रेस्ट। और हमारी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, आप किसी से पूछ के देख लीजिए, वो आपको यही बताएगा, तुम मुझे नहीं जानते, अरे तुम मुझे नहीं जानते। ऑफ कोर्स आई डोंट नो यू एंड आई डोंट वांट टू नो यू। डू यू नो योरसेल्फ? क्या तुम्हें पता है तुम कौन हो? इफ़ यू नो योरसेल्फ देन यू वोंट बी सेइंग कि मैं तुम्हें नहीं जानता, बिकॉज इट डजंट रियली मैटर कि मैं तुम्हें जानूँ या ना जानूँ, एज लॉन्ग एज यू नो योरसेल्फ। बट हमारे यहाँ ये एक बड़ा आम सा जुमला है। खैर, जब रिस्पेक्ट देने की बात आती है तो हम मुड़ के भी नहीं देखते कि किसी की ज़िंदगी कैसी है। आइए आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, देखिए। इस बार सर्दी भी टूट के पड़ी है, जाड़े का मौसम आया है तो यूं लगता है कि जैसे शायद इससे पहले ऐसी ठंड कभी नहीं पड़ी। जिस्म सर्द, हाथ सर्द, लेकिन क्या करें, काम तो करना है, काम से कभी छुट्टी नहीं। बचपन में सोचा करता था कि शायद एक दिन ऐसा आएगा जब मैं सुकून से कुछ ना करने के लिए सोचूंगा, लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि जैसे सिवाय काम के जिंदगी की और कोई सच्चाई नहीं है। गाड़ियां धोना एक काम है, सर्दी के मौसम में इंतहाई सर्द पानी के साथ मैं कभी गाड़ी, कभी उसका इंजन धोता हूं, तो कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि जैसे जिंदगी एक जहूत का शिकार हो गई है। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। पर क्या करें, काम तो करना है, कि काम के अलावा कोई और राह फरार नहीं। बस जिए जाते हैं इसी आस में कि किसी रोज किस्मत पलट जाएगी। So I asked them to come, but their answer was, काम है सर, छुट्टी नहीं ले सकता। अफसोस की बात यह है कि वो बच्चे जिन्हें स्कूल्स में होना चाहिए, वो बच्चे जिन्हें पढ़ना चाहिए, वो सुबह सुबह के वक्त काम कर रहे होते हैं। हमारे पॉलिटिशियंस बहुत बड़े बड़े जलसे करते हैं, हमारे मुफक्किर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, टेलीविजन की हद तक। रोल अप योर स्लीव्स, कभी जाएं, देखें कि ज़िंदगी कैसे गुजरती है। आइए मेरे साथ चलें, मैं आम लोगों में उठता बैठता हूँ, मैं आपको ज़िंदगी का वो रुख दिखाऊंगा जो आपने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा होगा। सारे पॉलिटिशियन मिलकर एक ही बात करते हैं कि पाकिस्तान को हम तब्दील करेंगे, बचा लेंगे। तो ख़राब किसने किया? अगर आपने बचाना है, आपकी तो बारियों का खेल है। क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान को अगर आप बचाएंगे तो खराब किसने किया? दैट्स अ क्वेश्चन आई पॉन्डर एंड आई वॉन्डर एवरी सिंगल डे ऑफ माई लाइफ। इशू ये नहीं है कि हम तरक्की नहीं कर सकते, इशू ये है कि हम तरक्की कर सकते हैं बट कर नहीं रहे। इशू ये नहीं है कि हम एक कौम नहीं है, इशू ये है कि हम एक बेहतरीन कौम बन सकते हैं, बन नहीं रहे। इशू ये नहीं है कि हम लर्न नहीं कर सकते। इशू ये है कि हम अनलर्न नहीं कर रहे हैं। हम आज भी अपने अलावा किसी और चीज़ में गुम नहीं है। ऑल वी केयर अबाउट इज हमारे लिए बेनिफिट क्या है। जब तक आपका मफाद मुश्तरका नहीं होगा, पाकिस्तान का मफाद नहीं हो सकता। Respect people who work every single day, and if you see a child जिसको एजुकेशन की ज़रूरत है, प्लीज़ सपोर्ट। डॉक्टर साहबा, सो हम इतने इंडिविजुअलिस्टिक क्यों हो गए, इतने सेल्फ सेंटर्ड क्यों हो गए? देखिए साहिर, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जब मैं ये चीज़ें देखती हूँ, क्योंकि मेरा भी पब्लिक में उठना बैठना है, पब्लिक हॉस्पिटल में हूँ, बहुत सारे बच्चे भी आते हैं, बूढ़ी ख़वातीन आती हैं, किराए के पैसे नहीं होते, आके कहते हैं डॉक्टर साहब मैं दवाई तुसी लिख देती हूँ, लवांगे किस तरह। मतलब ऐसे फैक्टर्स हैं। लेकिन फिर भी एट द सेम टाइम आई सी कि देर आर पीपल हु कैरी 3 to 4 कार्स, दे हैव गॉट सर्वेंट्स, दे हैव गॉट अ बैटरी ऑफ सर्वेंट्स रादर। तो इतने इंडिविजुअल किस्म की सोच क्यों है? ये बेसिकली मुझे लगता है कि शायद ब्रिटिश से ट्रांसफ़र हुई है कि हमारे ना दिमाग में एक फ्यूडलिज़म आ गई है कि जिसके पास पावर है, जिसके पास पैसा है, प्रोबेबली उसको ही और शी शुड लुक डिफरेंट देन अदर्स। नहीं, ब्रिटिश से नहीं हुई, हमेशा से है। आप उठा के देख लीजिए, तारीख उठा के देख लीजिए। हाँ, उससे पहले भी, मुगलों के ज़माने में भी पहले भी वही था। मुगल्स के ज़माने में, मुगल से पहले चले जाइए आप, मुगल से लोधी से चले जाइए, गुलामा से चले जाइए, उससे पहले चले जाइए, आप कभी भी देख लीजिए। हम तो बहुत सेक्टोरियल रहे हैं। मेरे ख्याल में ना हमें एक अच्छे लीडर की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा माइंड सेट तो ऐसा है ना कि हमें कुछ पर्सनैलिटीज़ को फॉलो करने की हमें आदत है ना, तो हम वी लुक फॉरवर्ड टू समवन। हाँ, आई ट्रूली थिंक ये सब कुछ आपके बेसिक लेवल पे अगर हम लोग देखें, क्योंकि अगर हम लीडर की बात करें, मेरे अकॉर्डिंगली आई थिंक के घर से स्टार्ट होता है। इट्स ऑल डिपेंड कि आपका ब्रॉटअप कैसा हुआ है। तो अगर हम लोग, मेरे लिए अगर हम लोग पर्सनली बात करें, एक छोटे बच्चे के लिए उसके रोल मॉडल्स उस टाइम पे उसके पेरेंट्स होते हैं। तो हर बंदा अगर पेरेंट्स लेवल पे, जैसे हम लोग को तो नहीं, हम अगर मैं अपनी बात करूँ तो हम सारे, हमें वही चीज़ें राइट एंड रॉन्ग हमारे जो पेरेंट्स वाला होता है, क्योंकि बच्चे की उस टाइम तो बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं होती है। उसको राइट एंड रॉन्ग का नहीं पता होता, उसका राइट एंड रॉन्ग वही होता है जो कि उसके पेरेंट्स का होता है। तो आई थिंक कि पेरेंट्स को रोल प्ले करना है इस सारे ब्रॉटअप में, कि वो किस तरह, अगर वो अच्छा ट्रीट करेंगे तो डेफिनेटली उनके बच्चों में भी वही क्वालिटीज़ जाएंगी। तो इट ऑल स्टार्ट्स, आपके घर से स्टार्ट होता है। जी डॉक्टर साहब, सो बेसिकली हम बात करें कि हम लोग सेल्फ सेंटर्ड क्यों हो गए हैं, या अपने पर्सनल मफाद या पर्सनल इंटरेस्ट की तरफ फोकस, इसलिए कि मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई एक दूसरे की लेग पुलिंग में है, हर कोई अपना, हर कोई दूसरे आपकी हक तलफ़ी करने के उसमें के चांसेस ढूंढता रहता है, माइन्यूट लेवल से बड़े लेवल तक, छोटे जैसे वो कह रही है, बिल्कुल बेसिक से लेके बड़े लेवल तक हर कोई आपकी हक तलफी करता है। तो उसकी वजह से हर कोई फिर पर्सनल बेनिफिट की तरफ चल पड़ता है, तो सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है कि मेरा नुकसान ना हो जाए, मेरा फ़ायदा हो, क्योंकि अगर नहीं तो फिर हम इट गोज़ अदर वे अराउंड, कि फिर आपका नुकसान ही है, क्योंकि हर कोई बेईमानी इतनी ज़्यादा है कि अदर वे अराउंड आपको सिर्फ बेईमानी ही मिलेगी। अच्छा डॉक्टर, आप क्या सोचती हैं, आपको क्या लगता है क्यों ऐसा है? मुझे ऐसा लगता है कि हमें सबसे पहले तो अच्छा इंसान होना चाहिए, ठीक है? जब आप अच्छे इंसान होते हो तो फिर आप की सोच भी मुख्तलिफ होती है, और फिर आप अपनी रवायात से, अपने जो है तरबियत से, बेसिक ह्यूमन जो आपकी एक डिफरेंस होता है उससे हम हट गए हैं, तो उसकी वजह से हमारे अंदर जो है वो एक वो चीज़ नहीं डेवलप हो पा रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये कलेक्टिव है कि आपको एक शख्स जो है वो बहुत सारे लोगों को ठीक उसी सूरत में कर सकता है कि जब हम बहैसियत इंसान अच्छे होने चाहिए, हमारे अंदर कोई मॉरल्स होने चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, खिदमत होनी चाहिए, कुछ ऐसा तो होना चाहिए कि हमें अपने आप को हम लोगों से जुदा कर सकें। तो अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। जी सर, क्या कहते हैं? सर एक्चुअली बेसिक है कि जी हमारे मुल्क में जो अच्छा बन के भी देख लें, बुरा बन के भी देख लें, पॉलिसीज़ भी हैं, इम्प्लीमेंटेशंस नहीं है। उसकी वजह ये है कि जी लोगों को बताया नहीं जाता कि जी काम कैसे करना है और किस वे से करना है। हर बंदा जो सा ना शॉर्टकट्स ढूंढता है अपने लिए। अगर कोई काम गवर्नमेंट का है या गवर्नमेंट के महकमे से पड़ गया, तो वो अंडर द टेबल उसको स्पीड मनी लगा के करने की कोशिश करता है, जिससे जो अच्छे वे से भी काम चल रहा होता है ना, वो भी चला जाता है। अच्छा ये बताइए, आज बनाया क्या आपने? आज सर ये ब्रेड पुडिंग है। ब्रेड पुडिंग जी, कैसी है? अच्छी है, बहुत मज़ेदार है। अब लोग खाएंगे ब्रेड पुडिंग? There you go, that's it. बिल्कुल बिल्कुल सही है. एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इनको ब्रेड पुडिंग देते हैं. लेट्स सी कि जी कैसी है. और ये आपकी इसकी रेसिपी मिल जाएगी हमको? जी बिल्कुल, रेसिपी मिल जाएगी और ऑन एयर भी हो जाएगी. ऑन एयर भी हो जाएगी. और ऐसे तो ब्रेड पुडिंग इन्होंने बनाई है. ब्रेक के दौरान हम डॉक्टर साहिबान को ब्रेड पुडिंग देते हैं. डॉक्टर शैला कराची में, वरना उनको भी हम ज़रूर देते. बट डॉक्टर साहिबा आपकी तरफ से ये तमाम डॉक्टर्स जो हैं ये खा रहे यू गो दैट्स इट. एक छोटा सा जी क्या कह रही है? मैं कह रही हूँ अच्छा एंजॉय करें. बिल्कुल अच्छा जी, मीठा खाना चाहिए, मीठा खाना चाहिए. एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद. वो भी राइट बैक. बल खाते लहराते लंबे करे बाल, चमकदार बाल आपकी पर्सनालिटी का बहुत बड़ा असासा है. उलझे बाल आपको भी उलझाए रखते हैं. कमज़ोर रूखे बाल आपके रूखेपन का सबब बनते हैं. बालों की ग्रोथ ना हो तो आपका कॉन्फिडेंस आसमान से ज़मीन पर पहुंच जाता है. बाल तेज़ी से गिरने लगें तो परेशानी छुपाए नहीं छुपती. ख़वातीन के साथ मर्दों को भी बालों के मसाइल का सामना रहता है. सर पर बाल ना होने का वबाल वही जानते हैं जो बाल बचाने के लिए सोच जतन करते हैं. बालों के लिए कौन सा शैम्पू, कंडीशनर या ऑयल बेहतर है, हेयर ट्रांसप्लांट कितना मौसर है. स्किन एंड हेयर स्पेशलिस्ट से ट्रीटमेंट करवा रहे हैं और कुछ को बड़े बूढ़ों के टोटके आजमा रहे हैं. मकसद सिर्फ एक है, बाल बाल कैसे बचें. ऑलराइट जी, बहुत बहुत शुक्रिया. टॉपिक बिल्कुल सही है जी. बालों के गिरते हुए बालों को रोका कैसे जा सकता है, घना कैसे बनाया जा सकता है. तो पहले तो सबसे पहले कुछ मिथ्स के बारे में बात करते हैं, बालों के मिथ्स के बारे में. कुछ लोग ये कहते हैं जी प्याज का पानी अगर लगा लिया जाए तो उससे बाल गिरना बंद हो जाते हैं. चारों डॉक्टर्स मेरे पास हैं और इन चारों से मैं ये सवाल करूँगा. विल स्टार्ट विद डॉक्टर आयशा. क्या ये सही है कि बेसन, प्याज, इनके धोने से बाल मजबूत होते हैं और बाल गिरना बंद हो जाते हैं? इज़ दैट ट्रू? नए बाल आ जाते हैं? अगर एक सेंटेंस में सम अप करूँ तो नहीं. ओके, ऐसा नहीं है. देर आर टॉपिकल इरिटेंट्स. थ्योरी ये है कि कोई ऐसी इरिटेंट चीज़ हो जो बालों के ऊपर लगे और उनको इरिटेट करे और फिर वो हेयर ग्रोथ की फेज़ में ऐड हो जाए या एंटर हो जाए. ठीक है. वन ऑफ देम इज़ अ कैप्सिकम, जो कि आमतौर पे एक मिर्च होती है, शिमला मिर्च. उसके एक्सट्रैक्ट जो हैं वो मेडिकली अवेलेबल हैं और डिस्पेंस करा के हम पेशेंट्स को देते भी हैं. दे आर कॉल्ड कैप्सिकम एक्सट्रैक्ट होंगे. फर्ज करें वो कैप्सिकम को लेते हैं और उसको क्रश कर लेते हैं बहुत ज़्यादा, फिर उसके बाद उसका वो एक जूस निकाल लेते हैं. तो क्या वो भी लगाया जा सकता है? Apparently it seems very interesting but I would not recommend it because that is not a purified extract. और वो in turn burn कर सकता है. जब scalp burn हो जाएगी तो वहाँ पे hair follicle सारे dead हो जाएंगे. तो वो बहुत बुरा हो सकता है. अच्छा, मैंने रीज़न मैंने क्यों पूछा, मैंने इसीलिए पूछा कि खुद आप एरिस्टोटल मत बने, खुद अरस्तु मत बने, खुद ये डिसाइड मत करें. बहुत सारी चीज़ें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं लेकिन जब प्रैक्टिकली आप उसको करते हैं तो शायद आपको प्रॉब्लम हो जाए. तो एक तो आपने क्लियर किया कि खुद नहीं लगाना चाहिए. डॉक्टर साहब ऐसे ही है जैसे और भी एक है कि डेली, अब एक कुछ लोग समझते हैं कि अगर डेली वॉश करेंगे आपका हेड तो हेयर फॉल स्टार्ट उससे ज़्यादा होगा. ये भी एक मिथ है कि अगर आप डेली हेयर वॉश करेंगे तो आपका हेयर फॉल ज्यादा होगा. लेकिन मैंने तो आप ही लोगों से सुना है कि 2-3 मर्तबा वॉश करना चाहिए, ज्यादा मत करें बिकॉज ऑयल्स कम हो जाते हैं. नहीं, ऐसा नहीं होता है कि, लेकिन अब जैसे अब है कि अगर अब हमारे पास अगर मेल भी, अगर हम लोग मेल्स की बात भी करें तो वो भी अवॉइड कर रहे होते हैं. और फिर उसमें ये होता है कि जैसे अब गर्मियों का मौसम है आपका, वो सारे सीरम प्रोडक्शन मुझसे मुझे बहुत उलझन होती है अगर आप ना उसको वॉश करें बिकॉज कुछ प्रोडक्ट्स लगी होती हैं आपके बालों के अंदर. इफ यू डोंट वॉश इट डेली तो फिर मसला हो जाता है. एग्जैक्टली. तो इसका ताल्लुक बालों के गिरने से नहीं है. सेकेंडली, अगर आप इस तरह के अगर आप करते हैं रेमेडीज़ अप्लाई करते हैं तो वो यही होता है कि वो सब कुछ ये वो ट्राई करते रहते हैं. रूट कॉज जो होता है वो फाइंड नहीं करता है. तो रूट कॉज फाइंड करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट के बजाय कि आप, और ये ज़्यादातर जो रेमेडीज़ हैं वो करती भी फीमेल्स अप्लाई करती हैं एज़ कम्पेयर टू मेल्स. ये रेशियो ज़्यादा फीमेल्स में है कि वो ज़्यादा रेमिडीज़ और घर पे जो भी वो ट्राई करती रहती हैं और बेसिक उनमें जो रूट कॉज होता है वो मेल में तो चले हमें पता ही है मेल पैटर्न बार्डनेस होती है. फीमेल्स में कॉज फाइंड करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है, तो वो रूट कॉज को ट्रीट करने के बजाय वो रेमिडीज़ की तरफ चले जाती हैं. ठीक है जी डॉक्टर साहब. बिल्कुल, जिस तरह मेरे कोलीग्स ने कहा कि बेसिकली ये स्किन इरिटेंट्स होते हैं जितने भी ये जो टोटके हैं जिसमें प्याज का पानी, अदरक का पानी, हाँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बेसिकली इंजरी इज़ द सोर्स ऑफ हीलिंग. तो वहाँ पे वो इंजरी क्रिएट कर देते हैं. दैट मीन्स कि पहले ख़राबी करते हैं और फिर बेहतरी की तरफ जाते हैं. तो ये सब चीज़ें पहले ख़राबी करती है. लॉजिक इसके पीछे सिर्फ यही है कि इट्स एन इरिटेंट क्या करेगा, थोड़ी सी ख़राबी करेगा. जैसे स्किन के ऊपर कट आ जाता है तो नेचुरली स्किन बनना शुरू हो जाती है. इसी तरह कहीं पर कुछ डैमेज होगा तो बेहतरी की तरफ चल पड़ेंगे, लेकिन वो इतनी बेहतरी तो नहीं हो सकती कि वो उस रूट कॉज को ट्रीट कर दे। तो अगर सम अप करें तो इट्स नॉट इफेक्टिव। डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर शैला मुनीर आपकी तरफ आता हूँ, आप क्या कहती हैं, ये क्या ये कुछ कर सकते हैं, कुछ बेहतरी ला सकते हैं या ये मिथ्स ही हैं? सर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो है ये कि अगर आपका एक्सेसिव हेयर लॉस हो रहा है, हेयर थिनिंग हो रही है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कॉज जरूर होता है, चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल फैक्टर हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आप उसको फाइंड आउट करें। तो अगर कोई भी आपका इन्फ्लेमेशन हुआ है स्कैल्प पे, या फिर आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है, या इंटरनल आपको डेफिशिएंसीज हैं, या फिर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो आपको उसको ठीक करना चाहिए। आप डायरेक्ट आपने अगर आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो गया और बहुत ज़्यादा हो रहा है, या आपको कोई सेबोरिया या केराटोसिस या डैंड्रफ या ऐसा कोई इशू है और आपने डायरेक्ट ये चीज़ें अप्लाई करना शुरू कर दी, तो वो हार्मफुल भी हो सकती हैं। वो हार्मफुल हो सकती हैं। तो सबसे बिल्कुल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप उसको फाइंड आउट करवाएं, डॉक्टर के पास जाएं, वो एग्जामिन करें, हिस्ट्री देखें और फिर आप उसको ट्रीट करें। अच्छा, वेरी क्विकली चारों से सवाल है। एक और बड़ी बात है कि जी डाइटिंग मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ और मेरे बाल गिरने लगे हैं डाइटिंग की वजह से, क्या ऐसा होता है? विल आस्क यू। ऐसा होता है डाइटिंग की वजह से हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हम इग्नोर कर जाते हैं। डाइटिंग का मतलब फाके करना नहीं है। डाइटिंग का मतलब है आप कंट्रोल लें, पोर्शन साइज रिड्यूस कर लें, अच्छे वाली न्यूट्रिएंट चीज़ें जो हैं वो हर 3-4 घंटे बाद आप ज़रूर कुछ ना कुछ लें, फाका ना करें। और वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, उसमें प्रोटीन भी होनी चाहिए, उसमें कार्ब्स भी होने चाहिए, उसमें गुड फैट्स भी होने चाहिए। किसी भी चीज़ को आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते अपनी डाइट में से। जब निकाल देंगे तो फिर ऑब्वियसली इम्बैलेंस डाइट के साथ प्रॉब्लम्स आते हैं। यस मैम, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जैसे कि और मोस्टली ये केसेस उसमें ही ज़्यादा होते हैं जब बहुत एग्रेसिव आप डाइट पे चले जाते हैं कि बिल्कुल आपने फाके करना स्टार्ट कर दिए हैं, तो उसमें होता है कि वो बहुत आपके रैपिडली विद इन जो वीक्स होता है कि आपका हेयर फॉल जो होता है वो बहुत मैक्सिमम हो जाता है। मैं 2 डाइट हैं जो बड़ी मशहूर हैं, एक को कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग और दूसरे कीटो डाइट। ये 2 डाइट्स हैं, दोनों के बारे में बात करूँगा। डॉक्टर साहब आपसे बात करूँगा, डॉक्टर शैला मुनीर से बात करूँगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। विल टेक अ ब्रेक। ऑल राइट जी, मैं डाइट कर रहा हूँ, मैं डाइट कर रही हूँ और मेरे बाल ज़्यादा गिरने लगे हैं। लेट्स टॉक, क्या कीटो की वजह से बाल गिर सकते हैं? इंटरमिटेंट फास्टिंग की वजह से बाल गिर सकते हैं? बिल्कुल, कीटो डाइट की वजह से बिल्कुल बाल गिर सकते हैं, बिकॉज इट्स रिच इन जो कीटो डाइट का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हाई प्रोटीन और गुड फैट्स के साथ करें और लो कार्ब्स के साथ करें, और बहुत सारी इसके अंदर हम नट्स नहीं खा रहे होते, सब्जियाँ नहीं खा रहे होते, कार्ब्स जो है वो बहुत रिड्यूस्ड होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ड्रास्टिक वेट लॉस होता है। स्लो, अगर आप किसी चीज़ को बैलेंस डाइट के साथ स्लो करते हैं बहुत एक स्टेडी पेस के साथ, तो दैट इज़ इफेक्टिव। लेकिन फिर अगर इतना सडन आपकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी कहीं ना कहीं फिर आपको अपेयर होना शुरू हो जाते हैं। ये तो बालों पे तो हमें अपेरेंटली बाहर नज़र आ जाते हैं, इंटरनली भी आपके अंदर बहुत सारी वीकनेस आ रही होती है आपकी बोन्स के अंदर। आई थिंक डॉक्टर साहब चेहरे पे भी नज़र आ जाता है, चेहरे पे स्किन के ऊपर जो है वो डल होने लगती है। बिल्कुल ऐसी है। स्किन हेयर तो हमें एविडेंट नज़र आ रहे होते हैं ना, लेकिन आपके इंटरनली बॉडी के अंदर भी बहुत सारी जो है वो डिस्ट्रक्शन। हाँ बिल्कुल। डाइट रिकमेंडेड नहीं है। डाइट रिकमेंडेड है कि आप प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट के साथ उसके अंदर आपकी कोई जो प्रॉपर बैलेंस्ड हो, उसके अंदर जो आपकी डेली रिक्वायरमेंट है ना, डेली अलाउंसेस होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के, वो सब अगर एडेड हैं, आप मल्टीविटामिन प्रॉपर साथ ले रहे हैं। यूएस में एक पब्लिकेशन आती है जिसे हेल्थ मैगजीन कहा जाता है, उसमें एक बड़ी बड़ी मार्कतुलारा लाइन लिखी है, द बेस्ट डाइट इन द वर्ल्ड इज नो डाइट, दैट्स द बेस्ट डाइट। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज। आप पोर्शन कंट्रोल करें, आप सब कुछ खाएं, बट मेक श्योर कि यू डोंट गो ऑन ऐसी स्ट्रिक्ट डाइट्स जो आपके लिए आपके ऑर्गन्स को मुतासर कर लें। एक डाइट एक ज़माने में बहुत मशहूर हुई थी, उसका नाम था एटकिंस डाइट, और जो प्रोफेसर एटकिंस थे उनकी जो डेथ हुई है उसमें कॉम्प्लिकेशंस भी उनकी अपनी डाइट की वजह से आई थी। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि आप डाइट ज़रूर करें, लेकिन मॉनिटरिंग के साथ। आपको बहुत ज़रूरत है डॉक्टर्स की जो आपको ये बता सकें कि आपको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, या अपने न्यूट्रिशनिस्ट से आप मशवरा कर लें, लेकिन मशवरा ज़रूर करें। डॉक्टर शैला आपकी तरफ आता हूँ, जब बाल गिरने लगते हैं, वीक हो जाते हैं, तो एक मसला होता है कि इनको घना करना है, तो वो घना कैसे किया जाए? क्या प्रोडक्ट्स लगाई जाएँ या घर की कोई चीज़ इस्तेमाल की जाए, या आप लोगों के पास ऐसी कोई थेरेपीज़ अवेलेबल होती हैं जिससे बाल घने हो जाते हैं? बिल्कुल साहिर, जब बाल गिरना शुरू हो जाते हैं तो पहले तो फाइंड आउट करना है कि क्यों गिर रहे हैं, उसका रूट कॉज क्या है। उसके बाद हम इसके ऊपर डिसाइड करते हैं कि क्या हम कोई उनको अपने जैसे एस्थेटिक में आजकल बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स हम ऑफर कर सकते हैं कि जिससे बहुत क्विक रिजल्ट हमें मिल जाता है और जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि आपको कोई ऐसी दवाई, कोई ऐसी चीज़ नहीं खानी पड़ती है जो कि पूरे आपकी बॉडी में सिस्टमिकली जाए, यानी कि पूरी बॉडी में आपके जाए और पूरी बॉडी के ऊपर असर करे और थोड़ा सा असर आपके बालों में आए। तो एस्थेटिक में ये होता है कि आपको जहाँ पे प्रॉब्लम है आपने वहीं पे उसको ट्रीट किया और उससे आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। जैसे कि हमारा पीआरपी तो बहुत पुराना ट्रीटमेंट है जो चल रहा है, अभी भी उसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। इसके अलावा न्यू ट्रीटमेंट्स हमारे पास आए हैं जिस तरह के स्टेम सेल्स में हैं, एक्सोसोम्स हैं, ये सारे ट्रीटमेंट्स हैं। एक हम स्किन में से बायोप्सी लेते हैं और उसको एक रीजेनरा का ट्रीटमेंट कहते हैं। थ्रेड्स हम इंसर्ट करते हैं बालों की रूट्स पे, तो बहुत जल्दी इफेक्ट आ जाता है। आपको बालों में ग्रोथ भी देखने को होती है, उसके अलावा आपकी बालों की जो वॉल्यूम है और हेल्थ अच्छी इंप्रूव हो जाती है। ऑलराइट जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आऊँगा तो मैं आपको बताता हूँ कि मेडिसिन कौन कौन सी अवेलेबल हैं और कौन कौन सी मेडिसिन पाकिस्तान, और फिर आपसे मैं अपनी स्टोरी शेयर करूँगा। मेरे बालों का जो एक बड़ा जर्नी है, बड़ा लंबा जर्नी है। बहुत डिफ़िकल्टी से मैंने अपने बाल सेव किए हैं बिकॉज जेनेटिकली मुझे ये इनहेरिट हुआ है कि हमारे सबके घरों में, माई फादर डजन हैव हेयर और अब उनके बाल ख़त्म हो गए, लेकिन उनके बाल हमेशा से बहुत पतले थे। सो इज़ माई मदर्स हेयर। तो मुझे ये जेनेटिकली मिला था, उसको मैंने कॉम्बैट कैसे किया और बड़ी अर्ली एज के अंदर मेरा बाल जो है वो थिन होना शुरू हो गया था और गिरना बहुत ज़्यादा शुरू हो गया। तो मैंने इसको कॉम्बैट कैसे किया, ये पूरी एक स्टोरी है, शेयर करता हूँ ब्रेक के बाद। अच्छा, आपसे ना ये शेयर करता हूँ अपनी स्टोरी। मैं आई थिंक आई वॉज 16 ईयर्स ओल्ड जब मेरे बाल गिरना शुरू हुए थे। सो आई ट्रैवल्ड एंड ट्रैवल्ड एंड ट्रैवल्ड, मतलब मैं जापान में था, जापान के बाद फिर मैं यूएस चला गया। तो वहाँ जब मैं गया तो डॉक्टर से मिला। अब डॉक्टर ने मुझे दो चीज़ें कहीं, एक चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं, एक फिनास्टराइड है जिसका नाम है प्रोपेशिया। उन्होंने कहा जी आप प्रोपेशिया ले लीजिए, वो मेडिसिन है, आपको एक गोली सारी उम्र खानी पड़ेगी। मैंने कहा ओके, उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। मैंने कहा वो साइड इफ़ेक्ट्स मैं बर्दाश्त कर लूँगा, बट आप दे दीजिए मुझे प्रोपेशिया। तो उसने मुझे प्रोपेशिया दे दी। उसके साथ साथ उसने रेकमेंड किया कि टॉपिकल सोल्यूशन आता है, उस ज़माने में मिनॉक्सिडिल आती थी, आज भी आती है, तो उसका एक जो ब्रांड नेम है वो रोगेन था। उसने मुझे रेकमेंड किया कि तुम रोगेन ले लो, 2% पर जाओ पहले इंटेंसिटी, फिर उसके बाद उसको बढ़ा के 5% कर देना। मैंने कहा मैं 5% पर चला जाता हूँ, 2% पर जाने की क्या ज़रूरत है, इतने बाल गिर रहे हैं। तो मैं 5% पर चला गया। मेरे ये एरिया थिनिंग हो गई थी, आगे से थिन हो गया था। स्लोली एंड ग्रेजुअली आई स्टार्टेड गेनिंग माई हेयर बैक, आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन मैंने वो 20 साल किया है, 20 ईयर्स। अब जाहिर है मैं अपनी किसी प्रोडक्ट को प्लग इन नहीं कर सकता, लेकिन मैंने वो प्लग इन की है। अमोर की प्रोडक्ट है, मतलब अमोर मैंने इस्तेमाल किया जब हमने लॉन्च की कंपनी, तो मैंने वो इस्तेमाल किया। अलहमदिल्ला माई हेयर इज़ देयर स्टिल। मेरे ख्याल में बालों की मेरे वो कंडीशन नहीं है जो होनी चाहिए थी, बट स्टिल आई सेव्ड माई हेयर। अलहमदिल्ला आई डिड मैनेज टू सेव, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी होती है, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं जो शायद मैं अफोर्ड कर सकता था, बहुत एक्सपेंसिव थी, बिकॉज हर आदमी रोगेन को अफोर्ड नहीं कर सकता, हर आदमी प्रोपेशिया को अफोर्ड नहीं कर सकता, और प्रोपेशिया अगर नहीं है तो ये कहानी शुरू हुई थी बेसिकली एक कैंसर ट्रीटमेंट से। प्रोस्टेट का कैंसर होता है, उसके ट्रीटमेंट से कहानी शुरू हुई थी। उसके पेशेंट्स को जो दवाएँ दी गई थी, उस दवा का नाम था प्रोस्कार। जब लोगों ने वो खानी शुरू की तो इसके बाद उन्होंने देखा कि उसका जो बाय प्रोडक्ट था वो ये था कि बाल उगना शुरू हो गए थे उनके। तो उन्होंने उसके बाद उसकी ग्रामेट चेंज की और उसको फिर एक कंपनी थी जिसे मर्क कहते हैं, मर्क ने लॉन्च किया एज अ फिनास्टराइड जो आपके बालों की ग्रोथ में इजाफा देती है। तो आइए बात करते हैं कि ओवर द काउंटर पाकिस्तान में ऐसी मेडिसिन मौजूद हैं जो डॉक्टर आपको लिख के दे दें और उससे आपके बाल गिरना बंद हो जाए। लेट्स स्टार्ट विद यू जी, बताइए। जी बिल्कुल हैं, ओवर द काउंटर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। पाकिस्तान में तो सारी चीज़ें ही ओवर द काउंटर अवेलेबल हैं। डॉक्टर जब लिखते दे देता है तो वो तो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन हो जाती है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि मैं डॉक्टर वाली बताऊं तो आई टॉक अबाउट प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन, दोनों बता दीजिए। ओटीसी इज समथिंग व्हिच पेशेंट गो एंड जस्ट कैन हैव इट विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। तो वो भी एंटीबायोटिक भी ओटीसी मिल जाता है, सब कुछ ओटीसी मिल जाता है। तो हमारे यहाँ वो तो छोड़ ही दीजिए, मैं वैसे पूछ रहा हूँ, आप दोनों बता दीजिए। ठीक है, तो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स में अगर किसी को हेयर फॉल है और वो न्यूट्रिशनल या इम्बैलेंस डाइट की वजह से है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द स्टेरॉइड्स और जेनेटिक्स और एट्सेट्रा, तो फिर उसको कॉम्बैट करने के लिए ऑब्वियसली आई वुड सजेस्ट कि आपको अपने आयरन जो स्टोर्स हैं उनको रिप्लेनिश करना है। आयरन की एक टैबलेट फीमेल्स को खास तौर पे, क्योंकि मंथली साइकिल्स में दे आर लूजिंग ब्लड एवरी मंथ, तो दे आर मोस्टली वल्नरेबल टू आयरन डेफिशिएंसी। तो अगर वो आयरन ले भी लेती हैं तो नो हार्म। और आयरन की टैबलेट ले लें, एक मल्टीविटामिन की टैबलेट ले लें, और इसके अलावा उनको जो ओवर द काउंटर चीज़ें अवेलेबल हैं उसमें माइनॉक्सिडिल जो है वो फीमेल या मेल पैटर्न हेयर लॉस में या जिसको गंजपन मर्दाना गंजपन वगैरह कहते हैं वो होता है। अच्छा, बायोटिन के बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं। आई पर्सनली बिलीव, क्योंकि मैंने इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की है, अगर आप डेली 1 या 2 अंडे खा लेते हैं तो यू कैन नॉट बी डेफिशिएंट इन बायोटिन। इट इज़ सच ए लिटिल अमाउंट ऑफ बायोटिन दैट इज रिक्वायर्ड बाई योर हेयर एंड दैट इज प्रीटी मच देयर। जस्ट अ हाइप, इट्स जस्ट अ हाइप। बायोटिन इज वेरी कॉस्टली, प्लस आपने 2 कैप्सूल अगर बायोटिन के डेली लेने आपका बटुआ खाली हो जाएगा। व्हाई नॉट कि उसमें 2 अंडे खरीद लो। मेरे ख्याल में अंडे में तो और भी बहुत कुछ मिल जाएगा। अब आप अंडे खरीदेंगी तब भी बटुआ खाली हो जाएगा। एक्सपेंसिव है ये, दे आर गोइंग टू गेट। बिल्कुल, जैसे अब ये इन्होंने बिल्कुल इसी को मैं कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि बेसिकली बायोटिन आजकल वही हाइप क्रिएट हो गया कि बायोटिन बायोटिन और एवरी अदर पर्सन इज जस्ट बाइंग बायोटिन बायोटिन। लेकिन मेनली आयरन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देन वाइटामिन डी लेवल्स वो बहुत मैटर करते हैं। वाइटामिन B12 डेफिशिएंसी फीमेल्स के अंदर, जिसकी वजह से बेसिकली उनमें एनीमिया जिसे हम लोग कहते हैं कि RBCs कम होता है, तो उस लेवल पे ट्रीट करने के लिए हम लोग आयरन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आयरन की टेबलेट वगैरह ले सकते हैं। वाइटामिन डी को हम लोग कर सकते हैं, उसको इंजेक्शन के तौर पर अगर आप पीना चाहें वो पी सकते हैं या टेबलेट ले सकते हैं। बायोटिन जाके लेटेस्ट स्टेज में आता है। लेकिन अगर आप एक अच्छा मल्टीविटामिन ले रहे हैं तो वो उसमें वो सारा कवर हो जाता है। उसमें भी बायोटिन होता है और वो इतना होता है कि वो सारा कवर उसमें वो कर जाता है जितनी हमें रिक्वायर्ड होता है बायोटिन। जी, और अदर देन बिल्कुल जैसे वाइटामिन आयरन हो गया, वाइटामिन डी हो गया, उसके अलावा आप बेसिकली रूट कॉजेज़ को देख लें, उसमें थायराइड की एबनॉर्मलिटीज़ हैं, हार्मोनल एबनॉर्मलिटीज़ हैं, ये सब अगर देख लिया, अगर सिर्फ हम तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो हेयर फॉल होता है, क्या अगर आप उसको ठीक कर दें तो वापस आ जाता है? बिल्कुल रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल है वो, बिल्कुल रिवर्सिबल होता है जो हार्मोनल, क्योंकि वो तो बेसिकली डिजीज़ रिलेटेड है। अगर डिजीज़ की ओर हो जाती है तो उसके जो इफेक्ट सारे होते हैं बॉडी पे वो भी रिवर्स हो जाते हैं। लेकिन अगर जेनेटिक हेयर फॉल है तो फिर रिवर्स नहीं होता। जेनेटिक मीन्स के वो जो मर्दाना गंजा होता तो वो भी हार्मोन की वजह से, लेकिन वो जीन्स के अंदर चला जाता है, मौरूसी जिसे कहते हैं। उसके उसको रोकने के लिए जैसे आपने बताया कि फिनास्टराइड इज हेल्पफुल, लेकिन पेशेंट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके साइड इफेक्ट्स हैं। अच्छा, पहली बात ये बात याद रखिएगा, मैंने डॉक्टर को दिखा के, ये मेरा जुमला याद रखिएगा, ये नहीं कि भाई ने बोल दिया, भाई ने बोला था मैं तो लेने जा रहा हूँ, प्रोपेशिया नाम है, जाके बोला प्रोपेशिया दे दो। और उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। अंडरस्टैंड करें, मैंने बार बार एक ही बात कही है, अंडरस्टैंड करें, अंडरस्टैंड करें। हाँ, मेरी अपनी कंपनी के अंदर 3 डॉक्टर्स मौजूद हैं, 2 हर्बलिस्ट मौजूद हैं जो सर्टिफाइड हैं। हम तो इवन जो आप लगा रहे हैं चेहरे पे उसको भी बगैर मशवरे के नहीं देते। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, इट इज़ योर हेल्थ। अगर मैंने कोई चीज़ इस्तेमाल की है तो मेरी बॉडी की वो रिक्वायरमेंट थी। डॉक्टर्स ने मुझे एग्जामिन किया था, एग्जामिन करने के बाद मुझे कहा था कि आपने ये इस्तेमाल करना है। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली। खुद इस्तेमाल मत कीजिएगा कि भाई ने एक जुमला बोल दिया, एक लफ्ज़ बोल दिया, मिनॉक्सिडिल लेने निकल जाए, 5% मिनॉक्सिडिल मैं लगाऊँ। वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं उनको ख़ास तौर पे बहुत केयरफुल होना है, बहुत ज़्यादा केयरफुल होना है। डॉक्टर शैला, आपकी तरफ आता हूँ। मुझे ये बताइए कि अगेन हम बात कर रहे हैं कि स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं, बाल बहुत वीक हो जाते हैं, झड़ने लगते हैं, हमको ये चीज़ें अवेलेबल हैं। पाकिस्तान के अंदर जो फिनास्टराइड है वो जेनेसिस के नाम से अवेलेबल होती है। ये कितना कॉमन है कि लोग सुन के अमल करते हैं और फिर उसके बाद उसको रिजल्ट नहीं मिलते, डॉक्टर के पास नहीं जाते, ये कितना कॉमन है? साहिर, बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये डेली बेसिस पे हम लोग को ये देखने को मिल रहा होता है कि पेशेंट जब आके बैठता है और कंसल्टेशन में वो बताता है कि मैं सब कुछ करके आ चुका हूँ और या आ चुकी हूँ और हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, हमने बायोटिन भी खा लिया, हमने ये भी लगा लिया। प्रॉब्लम ये है कि एक तो सब लोग ऑलरेडी उनको ओवर द काउंटर चीज़ें मिल रही होती हैं। इवन फार्मासिस्ट जो आपके फार्मेसी पे होते हैं वो भी अपने एक इनपुट देते हुए आपको मेडिसिन पकड़ा देते हैं। फिर एक होता है कि हर पेशेंट या हर पर्सन इज नॉट द राइट कैंडिडेट। एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं हो सकता उसका। किसी को बायोटिन सूट करेगा, किसी को मैग्नीशियम सूट करेगा, किसी को जिंक सूट करेगा, या किसी को फिनास्टराइड, या फिर ये चीज़ें मिनॉक्सिडिल, ये सब कुछ सूट, सब के लिए एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। फिर कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें लगा के आ जाते हैं तो उनके अंदर जो है ना वो डेवलप हो जाती है, यानी रेजिस्टेंस जिसको हम कहते हैं, तो फिर उनका हमें रिजीम चेंज करना पड़ता है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है अगेन कि आप कोई भी चीज़ करें, एक तो कंसिस्टेंसी से करें, लेकिन आपको डॉक्टर से पहले बात करनी चाहिए कि आपके लिए क्या राइट ट्रीटमेंट है। अच्छा, और इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें एक और ये भी है कि आप बहुत सारी चीज़ें कई इतना अरसे लगा देते हैं कि उसमें आप रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, तो आपको डॉक्टर को चेंज करना पड़ता है उसका पूरा प्रेस्क्रिप्शन। अच्छा, एक काम करते हैं, जब हम वापस आते हैं ब्रेक से तो एक सवाल मेरा आप सबसे होगा ये जो हम हेयर प्रोडक्ट्स लगाते हैं बहुत सारे, मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रेटनिंग करने के लिए, वॉल्यूम देने के लिए, बैक कोमिंग जो आप लोग करते हैं, एग्जैक्टली, क्या उनका नुकसान बालों के लिए होता है? जब आप बहुत ज़्यादा ड्रायर यूज़ करते हैं, उसको एयर ड्राई नहीं करते, क्या उसका नुकसान होता है? देखिए, आज हम बालों के गिरने की वजूहात की बात कर रहे हैं। आप ये याद रखिएगा, अगर आप इन वजूहात को माइनस कर देंगे या कर देंगी तो आप यकीन रखिए आपके बालों की सेहत बेहतर हो जाएगी, आपके बाल गिरना भी बंद हो जाएंगे। तो दो चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ। एक चीज़ जो ये है कि जो प्रोडक्ट्स लगाते हैं, जो बैक कोमिंग करते हैं, जो आप ग्रूमिंग कर रहे होते हैं बालों की, तो उसका कितना है। और ये जो तेल ना लगाने का रुझान है, ये जो एक नई मिथ क्रिएट हो गई है कि तेल से कुछ भी नहीं होता, क्या ये सही है या गलत है? ब्रेक के बाद। ऑयलिंग करनी चाहिए, बालों की रेगुलर ऑयलिंग करनी चाहिए। इसी तरह एलोवेरा जेल है और कई प्रोडक्ट्स हैं इस तरह की, नेचुरल प्रोडक्ट्स जो हैं, अंडा है, दही है, प्रोटीन जिससे बालों को मिले, और डाइट में भी प्रोटीन लें तो बाल अच्छे होते हैं। एलोवेरा जेल में विटामिन ई के कैप्सूल, एवियन कैप्सूल आप ले लें 2, और एलोवेरा जेल, उसमें ये मस्टर्ड ऑयल होता है, उसमें वो 2 टेबलस्पून डालकर मिक्स करें। हाँ, हफ्ते में अगर आप 2 टाइम लगा रहे हैं ना, उसमें आपके हेयरफॉल बिल्कुल भी नहीं होते। बालों के लिए तेल जो सा होता है ना, उसके अंदर एलोवेरा जेल, प्याज और ये लहसुन वगैरह इसको जला के लगाए ना, तो उससे बाल ज़्यादा लंबे होते हैं। मेरे भी लंबे हैं। हाँ, पुराने ज़माने का है कि लस्सी से सर धोएं तो, या आंवले रेठे से सर धोएं, वो उसमें यह है कि कोई केमिकल वगैरह नहीं है, तो वो अच्छी चीज़ है। ख़ासकर ये जो आजकल क्या उसको क्या स्ट्रेटनर, उससे जो बाल स्ट्रेट करती हैं तो उससे बाल जलते हैं, तो उससे अवॉइड करें तो अच्छी बात है। बालों की हिफाजत के, बालों को लंबा और जो आपका हेयरफॉल होता है ना, उसको थोड़ा कंट्रोल करने के लिए आप यह कि जो आप कोई सा भी ऑयल यूज़ करें ना, उसमें थोड़े से मेथरे जला दें और उसके बाद वो यूज़ कर लें। उसमें यह कि आपका हेयरफॉल भी कंट्रोल हो जाएगा जो है वो ज़्यादा होती है। ऑलराइट जी, सो लस्सी से बाल धोएं या मतलब तेल लगाएं, तो ये मिथ्स हैं या इनसे हेल्प होती है, ज़रा बता दीजिए। और इससे पहले जो मैंने आपसे बात कही थी कि हम ट्राइंग टू फाइंड आउट कि जो प्रोडक्ट्स लगाते हैं, स्ट्रेटनर यूज़ करते हैं, बहुत ब्लो ड्राई करते हैं, हेयर ड्रायर इस्तेमाल कर रहे होते हैं और बाल नहीं धो रहे होते, 4-4 दिन हम नहीं धो रहे हैं बिकॉज स्टाइल ख़राब ना हो जाए कहीं, क्या इससे भी बाल मुतासर होते हैं? तो पहले बात करते हैं वो लस्सी की। अच्छा, अब जो लस्सी, योगर्ट, अंडा या एलोवेरा जो भी हैं, ये सूदनिंग ट्रीटमेंट्स हैं। इनको टोटली हम अपनी लाइफ से डिनाई नहीं कर सकती, मैं इनको टोटल मिथ नहीं कह सकती। जब आप लगाते हैं तो ऑब्वियसली जो टॉप लेयर है, जो कि फ्लेकी तरह है, बिल्कुल लीव्स जैसे ओवरलैपिंग होते हैं बाल की आउटर लेयर में, तो वो नरिश हो जाती है, वो मॉइस्चर उसको मिल जाता है, सूखापन है वो खत्म हो जाता है, स्मूथ हो जाता है, शाइन आ जाती है। रिफ्लेक्टेंस लाइट की तभी होती है जब सरफेस स्मूथ होती है, तो ऑब्वियसली व्हेन लाइट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द हेयर तो वो आपके बाल शाइनी लगते हैं। और जितने भी लोग हैं जिनके मतलब स्कैल्प पे शाइन है, वो सब अमीर नहीं होते, कुछ गंजे बहुत गरीब भी होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, मैं इसी को कंटिन्यू करूंगी कि जैसे ये बता रही हैं कि हम कम्प्लीटली उसको वो नहीं कह सकते कि बिल्कुल बेनिफिशियल है ही नहीं है, वो अपना रोल वो प्ले कर रहे हैं सब चीज़ें, लेकिन वही है कि जैसे आप उसको स्ट्रेटनर लगाते हैं, ये क्या है? डेफिनेटली वो तो डैमेजिंग है ना, डैमेजिंग तो बहुत डैमेजिंग है। अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करें ना, ही डायरेक्टली अप्लाई कर डैमेजिंग है, जितने भी हीटिंग ट्रीटमेंट्स हैं वो सब डैमेजिंग करते हैं, वो बालों की अपर लेयर को नीचे की तरफ थिन करना शुरू कर देते हैं। एक कॉलन शेप, जो सेमी कॉलन शेप्ड अपीयरेंस बालों की आ जाती है ड्यू टू द हीटिंग ट्रीटमेंट्स, जितने भी ये सारे ग्रूमिंग। अच्छा, ये जो हाईलाइट्स करवाते हैं, ये जो बाकी जो ट्रीटमेंट्स लेते हैं जिन पे एक टोपी सी पहना दी जाती है, टोपी में से गर्म शुआएं निकलती हैं, तो वो हेलमेट ट्रीटमेंट, आई डोंट नो व्हाट इज इट कॉल्ड। डॉक्टर साहबा, डॉक्टर शैला मुनीर, आपसे पूछता हूँ, आप बताइए ये डैमेजिंग होते हैं या ये हेल्पफुल होते हैं? बिकॉज मुझे जनरली नहीं पता, मैं बहुत नर्वस बन के ये बात पूछ रहा हूँ। डेफिनेटली केमिकल्स होते हैं तो डैमेजिंग तो होते हैं, लेकिन अगर आप किसी सही जगह से करा रहे हो तो वो फिर प्रोटेक्टेंट्स यूज करते हैं। okay. तो प्रोटेक्टेंट से ये होता है कि डैमेज कम होता है, तो उसके बाद आपको होम केयर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी मॉइस्चराइजिंग, हाइड्रेटिंग और रिपेयरिंग एजेंट्स आपको ज़रूर लगाने चाहिए अपने बालों में। क्योंकि आप हर चीज़ को ख़त्म तो नहीं कर सकते, ज़ाहिर है ज़रूरत तो है ये, आजकल सबको अपने बालों को ठीक तो रखना होता है, कुछ शेप में भी लाना होता है, तो इस वजह से ये सब कुछ है। मैं एक वो जो एक बीच में वो जो इसका था लस्सी वाला जो पार्ट था उसका मैं बताना चाहूँगी कि वो एक बेसिकली इट्स लैक्टिक एसिड उसके अंदर होता है, वो क्लीन आउट कर देता है स्कैल्प को, वो थोड़ा मॉइस्चराइज कर देता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जब ये होता है कि लोगों को ना एक शाइन सी आती है, और तेल जो है वो आपकी सर्कुलेशन बढ़ाता है, उसका पार्टिकल साइज इतना बड़ा नहीं होता है कि वो पोर से पेनिट्रेट होके बहुत डीप नरिशमेंट दे दे। इट्स जस्ट हाइड्रेटिंग, यानी कि वो एक लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर बना देगा, शाइन ले आएगा और सर्कुलेशन, अच्छा सा मसाज करेंगे तो सर्कुलेशन बढ़ाएगा। सर्कुलेशन बढ़ेगी तो आपके बाल की जो है वो नरिशमेंट होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो कलर करवाते हैं, कलर ट्रीटेड हेयर जो होते हैं, क्या ये भी डैमेजिंग होते हैं हेयर के लिए? डिपेंड करता है कितना स्ट्रॉन्ग आपने अमोनिया या कितना स्ट्रॉन्ग केमिकल आप लगा रहे हो। आप घर पे कर रहे हो, किसी अच्छे स्पा सैलून से करा रहे हो, कितना फ्रीक्वेंट करा रहे हो और कितना आप कलर्स चेंज कर रहे हो। मतलब आप 1 to 2 टोन पे जा रहे हो तो इट्स नॉट लाइक दैट डैमेजिंग, बट अगर बहुत ड्रास्टिक कर रहे हो तो फिर डेफिनेटली डैमेजिंग होगा। बट अगेन आप रिपेयर कर सकते हैं, देयर आर लॉट ऑफ ट्रीटमेंट्स, आप उनको ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर जी आपकी तरफ आता हूँ, स्ट्रेस कितना पार्ट प्ले करता है बालों के गिरने में? स्ट्रेस को तो जनरल हेल्थ पे ही बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है, आपकी पूरी बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट करता है। तो डेफिनेटली क्योंकि हेयर इज एन ऑर्गन, तो हेयर ब्रिटल होकर टूटना शुरू हो जाता है। डिप्रेशन की वजह से बाल गिरते हैं या बालों के गिरने की वजह से? बोथ, इट गोस साइड बाय साइड। आई टेल यू अ स्टोरी। यस्टरडे आई मेट 2 यंग बॉयज जो मेरे पास आए और वो कहते कि हम काम नहीं कर रहे क्योंकि हमारा हेयर फॉल हो रहा है, तो इसलिए हमने काम नहीं कर रहे। वो जो उनको लेकर आया था, शायद उनका भाई या व्हाट हूएवर, वो कहने लगे कि क्योंकि इन दोनों का बहुत बाल गिर रहे हैं, डॉक्टर साहिबा प्लीज इनको ट्रीट करें, इन्होंने काम ही छोड़ दिया। तो बेसिकली दैट वाज काउजिंग डिप्रेशन, और डिप्रेशन में उन्होंने काम करना छोड़ दिया। मैं मशवरा दूं, गंजे हो जाओ के लिए, बाल बिल्कुल नहीं गिरेंगे। मैंने बहुत किया है। मैं एक बात और बताऊं, मर्दों में ये बड़ी मिथ होती है, काम अच्छा करेंगे खवातीन नहीं कर सकती है। मर्दों में टिंड एक बार नहीं कराओ, वो पता क्या कहते थे, तुम 4-5 मर्तबा टिंड कराओ। मैं 3-4 महीने गंजा रहा हूं यार, मतलब उन लोगों ने मुझे कहा तुम टिंट करवा दो और उस तरह फिरवाओ, उल्टे उस तरह फिरवाओ, उससे क्या होगा, बाल मोटे आएंगे। कसम से नहीं आए मोटे बाल, नहीं होता मोटे बाल, बिल्कुल नहीं। अगेन दिस इज अ मिथ, ये भी दिस इज अ मिथ। और वही बात है कि बेसिकली नहीं, बट एक बात मैं जरूर कहूंगा, यहाँ एक बात जरूर कहूंगा, एक फायदा उसका हुआ था, एंड आई विल टेल यू क्या फायदा हुआ था उसका। उसका फायदा ये हुआ था कि जब मैंने रोगेन लगाना शुरू की तो मैंने अपनी स्कैल्प को निकलवा दिया था, तो एब्जॉर्ब ज़्यादा हो गया। तो एक तो बहुत इजी था और दूसरा हेयर फॉल वक्ती तौर पे रुक गया। मेरे मूड के अंदर चेंज आ गया, मुझे ये पता था कि अब बाल गिर नहीं रहे, तो थोड़े अरसे के बाद बाल बेहतर होना शुरू हो गए थे। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा खुदा का वास्ता कि गंजे हो जाएं, कल आप मुझ पर इल्ज़ाम दे दें कि नहीं भाई ने बोला था वो गंजे होना, वह गंजे होना, नहीं ऐसे नहीं। लेकिन हाँ, कैसे हेल्प होती है अगर आप डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर आपको ट्रीट करे। तो वैसे ये मिथ है कि आप अगर गंजे हो जाएंगे तो नए बाल जो आएंगे वो मोटे आएंगे, ये बिल्कुल मिथ है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मैं राइट हो रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और आजकल तो जैसे अब स्पेशली टीनेज जो बॉयज़ हैं, 18-19 ये सारे एज के जितने हमारे पास आ रहे हैं, उसमें ये ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है डिप्रेशन, हेयर फॉल की वजह से डिप्रेशन। तो उसमें इवन हमारे पास जो क्लाइंट्स हैं वो ये भी हैं कि वो बालों को हाथ ही नहीं लगाते, जस्ट बिकॉज कि मैं अगर हाथ लगाऊंगा तो बाल मेरे हाथों में आ रहे हैं। तो वो इतने स्वेयर किस्म के ट्रॉमेटाइज पेशेंट्स भी हम लोगों ने देखे हुए हैं, और बिल्कुल यंग 20 years 19 years, बिल्कुल ये एज होती है, और वो बालों को हाथ भी नहीं, हमें भी नहीं हाथ लगाने दे रहे होते हैं कि, और हम लोग उनसे छुपा रहे होते हैं कि मतलब अब थोड़ा सा उसको नॉर्मलाइज करने के लिए। तो मुझे लगता है कि इसके साथ साथ आपकी काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सिर्फ हेयर फॉल की वजह से जो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं उनको साथ साथ काउंसलिंग की भी जरूरत है। मैं तुम्हारी काउंसलिंग करता हूँ 30 सेकंड्स के अंदर। तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम सॉल्व नहीं करोगे तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा। गेट आउट ऑफ डिप्रेशन एंड जस्ट वर्क। दुनिया में 2 तरह के लोग एग्जिस्ट करते हैं, एक वो जो प्रॉब्लम देख के कंप्लेन करते हैं 90% और 10% सोल्यूशन तलाश करते हैं, उनकी ज़िंदगी कभी ठीक नहीं होती। दूसरे लोग वो होते हैं जो 10% कंप्लेन पे तवज्जो देते हैं, 90% रेजोल्यूशन यानी हल की तरफ जाते हैं, उनकी ज़िंदगी हमेशा ठीक रहती है। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, प्रॉब्लम आई है उसको फिक्स करो, डिप्रेशन में मत जाओ। ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद मोस्टली मस्टर्ड ऑयल जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं, उसमें प्याज़ों को बर्न कर लें और उसके बाद उसमें आंवले और रीठे का ऑयल मिक्स करके तो हफ्ते में 2 दफ़ा लगाएं और शैम्पू यूज़ करें। बालों की हिफाजत के लिए एक जेल है, वो भी बड़ी अच्छी होती है, उसकी आप जेल निकाल के वो आप यूज़ करें, उससे भी आपके बाल बड़े शाइन में भी आते हैं और स्ट्रेट लुक में भी आते हैं। और उसमें दही वगैरह ऐड कर लें, शहद है, तो उससे बड़ी अच्छी उसकी लुक आती है बालों की। मैं तो यही कहूँगी कि सरसों के तेल में अंडा डाल के ना बालों के ऊपर लगाएं तो अच्छी तरह मसाज करें, और कम से कम 1 हफ्ते में 1-2 बार तो ज़रूर बालों को वॉश करना चाहिए। बालों की केयर के लिए आप ऐसा करें ना, आंवला लीटर तीनों चीज़ें ना उसको अच्छी तरह ना आप कूट लें, कूट के उसको पानी में बॉयल करें, उसको हफ्ते में एक दिन मतलब आप अपने बालों पे लगा के 1 घंटे लिए, उसके बाद अच्छे से ऑयल में लगा के साथ में ऑयल भी लगा लें, दोनों चीज़ें लगा के उसको अच्छे शैम्पू से उसको वॉश करें, आपके बाल बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं उससे, आंवला लीटर से। बालों को लम्बा करने के लिए पहले ऑयल गर्म करें, फिर उसमें प्याज काट के डालें और जब वो ठंडा हो जाए फिर उसमें जेल मिक्स करें, ठीक है। फिर उसको ना तकरीबन 2 दिन पहले बाल वाश करके अच्छी तरह उसे लगाएं, 2-3 दिन वाश कर। There you go. आपको अगर किसी टोटके की ज़रूरत है तो आप सब कुछ पता है। एंड बिट्स एंड पीसेज में ठीक भी है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ गलत है, बिट्स एंड पीसेज में they're trying, तो वो सही भी कह रहे हैं। अच्छा, तो अब हम बात करें फूड्स की, वो कौन से फूड्स हैं जिनके खाने से बाल बेहतर हो जाते हैं, घने हो सकते हैं। विल स्टार्ट विद यू मैम। देखें, फूड्स जो हमारी सारी अवेलेबल हैं, फॉर्चुनेटली वी बिलोंग टू अ कंट्री जहाँ पे सब्ज़ी, फ्रूट, दालें, गोश्त, अंडा सब कुछ मौजूद है। हमें सिर्फ एक बैलेंस डाइट लेनी है, मतलब अंडा डेली खा लें, हफ्ते में 1 या 2 दिन दाल लाजमी खा लें, गोश्त खा लें। इसके अलावा सब्जियां जो हैं डेली एक वक्त ऐसा मतलब फ़िक्स कर लें जिसमें आप 1 बाउल वेजिटेबल्स का खा लें, जिसमें आप बॉयल चने भी डाल सकते हैं, बॉयल लोबिया भी डाल सकते हैं, चुकंदर को बारीक काट के डालें, वेरी रिच सोर्स ऑफ आयरन, लाल लोबिया इज़ वेरी रिच सोर्स ऑफ आयरन। अगर ये सारी चीज़ें हमारी डाइट में हैं तो मेरे ख्याल में वो जो न्यूट्रिशनल वाला फैक्टर है ना बालों के गिरने में, जो वो ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जैसे ये इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी फिश ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है, तो फिश से बहुत अच्छा देगा आपको, या खरीद के खानी है? अगर आप खरीद के खाएंगे तो बहुत एक्सपेंसिव है। मैं आपको बहुत एक बड़े मजे की बात बताऊं, मैं एक स्टोर गया, बहुत बड़ा स्टोर है, और वहां से मैंने पूछा, मैंने एहतजाजन नहीं ली वो फिश, ऐसा नहीं कि मैं, 11,000 रुपए की फिश थी। मैंने कहा ये स्टेक आप रखें, अपने पास रखें, आई डोंट वांट टू बाय दिस। पूछना था ये खानी है ना, एडिबल फिश और ऑर्नामेंटल फिश, ऑर्नामेंटल नहीं थी, सैल्मन थी। I'm just telling you, this is what it is। 11,000 रुपए की फिश कौन खरीदेगा? चलिए, अगर आप फिश नहीं है तो फिर आप उसमें, हमारे पास जैसे पालक हो गया है, आजकल साग का सीजन है, आप वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जितने हैं आप वो कर सकते हैं। एग एक बहुत अच्छा सोर्स है, एग ऐड कर सकते हैं आप। और अगर आप ड्राई फ्रूट्स की बात करें, उसमें आप वॉलनट्स ले सकते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं। मतलब आपको एक अखरोट, आपको एक बैलेंस डाइट रखनी है। जरूरी नहीं है कि ये सब चीज़ें आपने सारी एक ही दिन में, सारा पूरा दिन आपने बस यही खाते रहना, अब मैंने ये खाना है। आप पूरा वीक उसको मैनेज करने अपनी डाइट को, और उसको डेली आप कुछ ना कुछ ऐड करते रहें। यस मैम, बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह से ये सब कह रहे हैं कि आयरन रिच सोर्सेज हैं, सब्जियां, फल और इवन जो मीट है, हमारी दालें, ये सब बैलेंस डाइट में लेंगे तो इंशाल्लाह जो आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी वाला सोर्स जो है वो ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहबा, आप क्या कहती हैं, कौन से ऐसे खाने हैं, चलिए ये हम जो बात कर रहे हैं वो सैलड्स की बात, फ्रूट्स में कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जिनको खाने से बाल बेहतर हो सकते हैं या लगाने से इवन बेहतर हो सकते हैं? अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आप जेनेटिकली आपके जीन्स अच्छे हैं ना बाल, तो फिर आप कुछ भी कर लें आपके बाल अच्छे ही रहते हैं। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है कि फैमिली हिस्ट्री आपकी कैसी है। अच्छा, लगाने का तो मुझे कुछ इतना वो मैं नहीं रेकमेंड करूंगी, लेकिन खाने का ये है कि जो भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं आप उनको खाएं। अगर आप जो भी आप चीज़ जो आपके सीज़न में है, जैसे आजकल विंटर है तो ऑरेंजेस हैं, समर है तो मैंगोज हैं, तो ये सारे आप अपने फ्रूट्स अपनी डाइट में रखें। डेफिनेटली आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज नहीं होंगी, तो आपको अगर कोई और प्रॉब्लम नहीं है, अंडरलाइन कॉज नहीं है, तो आपको इसका फ़ायदा होगा बिल्कुल। अच्छा, तो लगाने का जहाँ तक है तो आप फ्रूट्स की एप्लीकेशन को मैं रेकमेंड नहीं करूँगी। आप रेकमेंड नहीं करती कि फ्रूट्स या दूसरी चीज़ें वो ना लगाएं, लेकिन खाने को आप ही कह रही हैं जो सीजन आप खाएं। खाने का जहाँ तक है, ड्राई फ्रूट्स की फॉर्म है, फ्रेश फ्रूट्स की फॉर्म है, वेजिटेबल है, प्रोटीन है, तो ये सारी चीज़ें आप लें जो अल्लाह ताला ने हमारी सारी नेमतें हमें दी हैं। आप उसको बैलेंस डाइट बना के ले लीजिए जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, अपना रूटीन, आप अपना हाइजीन, ये सारी चीज़ों को आप लेके चलेंगे तो आपका बैलेंस खुद ब खुद डेवलप हो जाएगा, तो आपको प्रॉब्लम कम आएगी। अच्छा, इन सब ने तो एक बात की, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, प्लीज़ अंडरस्टैंड करें कि डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है, और अगर कहीं आपके दिमाग में कोई ऐसी इख्तिरा है कि नहीं आप डॉक्टर से बेहतर जानते हैं तो उसको निकाल के फेंक दीजिए, आप डॉक्टर से बेहतर नहीं जानते। दूसरी बात, YouTube पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं जो आप देख सकते हैं जिसके अंदर न्यूट्रिशन चार्ट्स दिए हुए हैं, और आपके हिसाब से दिए हुए हैं उर्दू में, हिंदी में, बंगाली में, चाइनीज़ में, अंग्रेज़ी में, आई मीन नो मैटर व्हाट लैंग्वेज यू स्पीक, वहाँ पर वो चार्ट्स मौजूद हैं। खुदारा उसको फॉलो करें। जब मैं वापस आऊँगा ब्रेक से तो सबसे क्रूशल सवाल करूँगा, और ये ब्रेक जो होगी अगली रमन करेगी कि आप अपने बालों के मामले में किस कदर एहतियात के साथ काम लेते हैं और कितने आपको अपने बाल अजीज़ हैं। मैं चारों डॉक्टर साहिबान से ये पूछूँगा कि मुझे ये बताइए वो कौन सी स्टेज होती है जहाँ पर डॉक्टर को कंसल्ट करना ज़रूरी होता है, बिकॉज़ अक्सर औकात जब लोग बाल गिरने की वजह से परेशान होते हैं तो वो तब डॉक्टर के पास जाते हैं जब डैमेज बहुत ज़्यादा हो चुका होता है। देखिए, एक बार अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर गए उसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपके बाल इवन अगर आप ट्रांसप्लांट भी करवा लें, लेट्स से कि जो बाल मेरे 16 साल में थे अगर मैं वो चाहूँ और अब भी मैं ट्रांसप्लांट करवाऊँ, हालांकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा हैं और डोनर एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसके बावजूद भी मैं उस डेंसिटी पे वापस नहीं जा सकता, उस थिकनेस पे वापस नहीं जा सकता जो एक ज़माने में मेरी थी। तो अंडरस्टैंड करें, जब आपके बाल गिरना शुरू हों तो वो कौन सी स्टेज होती है जो अलार्मिंग होती है और आपको डॉक्टर के पास जाना ही जाना है, इसके बारे में बात करेंगे ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। डॉक्टर वजीर, आपको सवाल पता है, आपसे शुरू करते हैं। कौन सी स्टेज होती है जो अलार्मिंग होती है कि भाई आप फौरन डॉक्टर के पास जाना है? अच्छा, ऐसा है कि आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन कि जब आपके स्कैल्प्स, जब आपको विजिबिलिटी नज़र आने लगती है कि हमारी स्कैल्प अब नज़र आने लग गई है, बाल गिर गए और स्किन नज़र आ रही है, तब तक 50% बाल गिर चुके होते हैं, जा चुके होते हैं। 50% बाल जब गिर जाते हैं तब हमें रियलाइज़ होता है कि ये तो हम उस पॉइंट पे चले गए हैं। और मोस्ट ऑफ द केसेस जो पहला विजिट करते हैं वो उस वक्त करते हैं जब आपको स्कैल्प विजिबिलिटी आना शुरू होगी कि अब तो थोड़ी सी स्किन नज़र आ रही है, गंजापन आ गया, तो वो एट टाइम्स वो बहुत एडवांस स्टेज में जा चुके होते हैं। अगर आपको अर्ली स्टेज, जैसे टीन एज बॉयज़ के अंदर अगर जेनेटिक है तो बहुत अर्ली स्टेज वो होती है जो टीन एज के मतलब लेट टीन्स के अंदर आती है, अर्ली 20s के अंदर आती है, या जब आप रियलाइज़ करते हैं कि आपके, जब आप सोकर उठते हैं और आपका तकिया जो है वो बालों से भरा हुआ है, अगर आपने शावर लिया है तो बहुत ज़्यादा बाल टूट रहे हैं। अगर आपको इतनी एक्सटेंट है कि वो इतनी विजिबल, जो थोड़े बहुत बाल गिरना वो तो रूटीन में होते हैं, वो रिवर्स हो जाते हैं, ठीक है, जैसे 100-150 इस स्टेज तक तो वो रिवर्स कर जाते हैं, दैट इज़ नॉर्मल, वो रूटीन में होता है जो बालों का रेगुलर साइकिल, क्योंकि बेसिकली बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं जो हेयर सेल्स होते हैं और वो बहुत ज़्यादा स्पीड से रिग्रो भी कर रहे होते हैं और अपने आप को दोबारा से वो मेटाबोलाइज कर रहे होते हैं। लेकिन अगर इससे ज़्यादा आपको बहुत विजिबिलिटी आ रही है, आपका पिलो फिल है, आप नहा रहे हैं तो देख रहे हैं कि बाल टूट रहे हैं, तो बहुत जितना अर्ली किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम हो, जितना अर्ली स्टेज पे आप उसको ट्रीट कर लेंगे, रिवर्सल के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल, आई सेकंड हर, जितना अर्ली हम लोग इसको ट्रीट करें, जैसे देखें आप, जीरो हेयर फॉल इज अ मिथ, ऐसा नहीं है कि आपका हेयर फॉल कभी होगा ही नहीं, एक नॉर्मल हेयर साइकिल होता है, थोड़े बहुत बाल सबके गिरते हैं और वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बाल आपके गिर रहे होते हैं रोज, डेली गिर रहे, और वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा होता है, तो वो हर बंदा खुद ही बता सकता है कि उसका आजकल मैसिव हेयर फॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा। मतलब अगर लेट्स सपोज आपकी 30-40 अगर आपको बाल होते हैं और वो डबल हो जाते हैं 200 तक आपको, तो वो ऑब्वियसली हर बंदा बता सकता है कि इसका हेयर फॉल हो रहा है। ये सिंगल लोगों के लिए बात है, शादीशुदा लोग इससे मुबर्रा हैं, उनके बाल गिरते हैं और बहुत सारे रीजंस होते हैं उसके, एक दूसरे के बाल नोचना भी एक रीजन हो सकता है, तो प्लीज हम उसके बारे में कोई बात नहीं। तो बस उसको जितना इनिशियली हम लोग उसको टारगेट कर लें वो ज़्यादा बेटर होता है, बोथ मेल्स में भी और फीमेल्स में भी। और फीमेल्स में भी यही होता है कि जब आपकी थिनिंग थोड़ी बहुत अगर आपको स्टार्ट हो गई है तो आप उसी टाइम ही अपना रूट कॉज जो है वो फाइंड करें, अपना साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल चेक करें, अगर वो हार्मोनल इम्बैलेंस वाला है तो उसको ट्रीट करें, ट्रीटमेंट ऑप्शंस की तरफ फिर जाना चाहिए। और फिर ऑब्वियसली जब ट्रीटमेंट ऑप्शंस में जाते हैं तो सबसे पहले रूट कॉज और देन फिर हमारे जो PRP सेशंस और जो भी अगर फर्दर ट्रीटमेंट है कॉस्मेटिक। राइट, सवाल यही है कि डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए ना, कब जाना है। तो जब कंघी करते हैं हमें पता होता है डेली हमारे कॉम में कितने बाल आते हैं, अगर वो भरने लग गई है तो फिर इसका मतलब है दिस इज टाइम टू गो टू डॉक्टर। अनदर टाइप ऑफ एलोपेशिया जो कि बाल झड़ की एक टाइप है, उसे हम कहते हैं टीलोजिन हेयर लॉस। ज़्यादातर वो आफ्टर डिलीवरी आता है, बेबी पैदा हुआ है 2-3 महीने बाद सडन हेयर लॉस आता है बहुत ज़्यादा, या आजकल जैसे डेंगू हुआ या कोविड हुआ या टाइफॉइड हुआ या TB हुआ, मेजर इलनेस कोई आई और उसके बाद 2-3 मंथ्स के बाद मैसिव हेयर लॉस, और वो गुच्छे आते हैं, पेशेंट साथ में गुच्छा लेके आता है कि डॉक्टर साहब ये कल दे दिन देने, सिर्फ एक दिन में इतने इतने गुच्छे होते हैं बालों के, दैट इज कॉल्ड अ टेलोजन हेयर लॉस। तो दिस इज द टाइम, यहाँ पे जाना है, इससे कोई फायदा नहीं है, डॉक्टर को वैसे ही पता चल जाएगा। नहीं मतलब वो एक एविडेंस होती है ना, दे थिंक कि डॉक्टर इज नॉट गोना बिलीव दिस इफ आई से कि मेरे पास इतने बाल है, एंड एक्चुअली पेशेंट ब्रिंग द हेयर अलोंग। इसके अलावा टाइम टू गो टू डॉक्टर इज व्हेन यू स्टार्ट लूजिंग योर हेयर फ्रॉम द आईब्रोज, आईलैशेस, फ्रॉम बॉडी हेयर, देयर आर टाइप्स ऑफ, यस, मतलब दिस इज टाइप ऑफ एलोपेशिया जिसमें यू स्टार्ट लूजिंग फ्रॉम देम। तो अगर इस तरह की चीजें आ रही हैं तो दिस इज इट्स टाइम टू गो। यस, ऑलराइट, डॉक्टर शाला, आपकी बात। अच्छा सर, मैंने वैसे यूजली देखा है कि लोग 3 से 4 महीने के बाद डॉक्टर के पास आते हैं। 3 से 4 महीने उनको लगता है कि हमारे हेयर फॉल हो रहा है। इसके अलावा ये कि फंगल इन्फेक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को जो है वो पैचेस में बाल गिर रहे होते हैं, वो उनको नहीं समझ आ रहा होता है कि क्यों हो रहा है, तो वो भी एक टाइम है। अगर आपको पैचेस में लगे कि आपका बाल गिर रहा है वो है। और उसके अलावा ये कि आपको जैसे सिवियर ऐसी कंडीशंस हैं जैसे कि सेबोरिया, जैसे मैंने आपको बताया, फ्लेक्स वगैरह की तरह की आपको डैंड्रफ हो रही होती है, तो ये सारी जो है कंडीशंस हैं जिसमें आपको फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन मोस्टली मैंने देखा है कि 3 से 4 महीने पेशेंट आराम से ले जाता है, वो वेट करता है और उसके बाद डॉक्टर के पास आता है। Alright. लेकिन अर्लीस्ट आप जब भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपका डैमेज उतना कम हुआ होगा, आप डॉक्टर भी उसको बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकता है। अदरवाइज ट्रीटमेंट तो हो जाएगा, लेकिन सेशंस और उसका जो टाइम पीरियड है, टाइम फ्रेम है वापस रिवर्सल का, वो थोड़ा सा फिर लॉन्ग हो जाता है। जी, मुझे ऐसा लगता है कि जब सब कुछ ट्राई करके, यूट्यूब वीडियोस देख के, सारी रेमेडीज़ अप्लाई करके, जब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता फिर वो डॉक्टर के पास आते हैं। जब कहते हैं ना डैमेज हैज़ बीन डन, उसके बाद फिर वो हमारे पास आते हैं, फिर वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि विद इन 1 और 2 सेशंस, ये डॉक्टर तो हमें पता नहीं क्यों इतने सेशंस बता रहे हैं, मे बी शायद ये खुद करना चाह रहे हैं, मतलब वो अपना वो ये सोचते हैं शायद अपने बेनिफिट के लिए। एग्जैक्टली, तो फिर वो हमें वो सारी रेमेडीज बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब वो सर, हर गंजे आदमी के पास पैसा नहीं होता दुनिया में, चंदी गंजे जिनके पास बहुत पैसा है, सारी रेमेडीज। बीइंग ऑनेस्ट, यू नो, हर आदमी, मतलब एक ज़माने में एक फिल्म आती थी, एक वो आता था ड्रामा कोजैक, तो वो लॉलीपॉप खाया करता था, तो सब लोगों ने लॉलीपॉप खाना शुरू कर दी, बालों वालों ने, गंजे लोगों ने, सबने। तो नो, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, हर गंजा आदमी पैसे वाला नहीं होता। जी बिल्कुल, कंटिन्यू। तो बस मेरा यही है कि जितना अर्ली हो सकता है उसी टाइम ही आपको डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए, बजाय कि आप खुद ही से ट्रायल बेसिस पे अब ये ट्राई कर लिया, नहीं फिर वो, क्योंकि जो रूट कॉज नहीं आप लोग जब तक ट्रीट करेंगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। ऑलराइट जी, आई वांट टू से थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर शैला मुनीर आपका बहुत। एंड इट्स टाइम टू गो, जस्ट रिमेंबर दिस, बाल आपके हैं, सेहत आपकी है, फैसला भी आपका है, वोट भी आपका है, सो रिमेंबर दिस। ऐसा चुनाव कीजिए कि आपको अपने बाल नोचना ना पड़े। यकीन जाने, पाकिस्तान अब एक्सपेरिमेंट्स का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। And please do not underestimate the power of vote. Come out and vote. Vote कीजिए, ये ज़रूरी है। I know बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद हमारा वोट काउंट नहीं होता। Trust you me, काउंट होता है। आज सिस्टम ऐसा है, कल बेहतर हो जाएगा, लेकिन उसके लिए हम सबको काम करना है, एक साथ मिलके। Please make sure, this election you come out and you vote. It doesn't matter कि आपका कैंडिडेट कौन है। गिव योर वोट टू द राइटेस्ट कैंडिडेट, जो सही कैंडिडेट है। प्लीज़ अपने लीडर को वोट मत दें, अपने हलके से आपकी पार्टी का जो आदमी खड़ा है उसको वोट ना दें, अपने ही हलके में वोट दें, लेकिन जो सबसे अच्छा आदमी है जो खड़ा है, अगर वो इंडिपेंडेंट खड़ा है या किसी पार्टी के साथ, ये आपकी पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो बेहतरीन आदमी दे, और अगर वो बेहतरीन आदमी आपकी पार्टी नहीं दे रही है तो उसको वोट मत दीजिए। ये आपकी पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको वोट देना है अपना, उसको जो बेहतरीन आदमी है उसको वोट दीजिए, जो बेहतरीन कैंडिडेट है उसको वोट दें, बिकॉज पाकिस्तान अब एक्सपेरिमेंट्स का मुताबिल नहीं हो सकता। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।